साथियों, आरबीआई ने एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है ऐसे सभी लोगों के पक्ष में जो कर्जे कारण परेशान है। कर्जदाताओं को राहत देने वाला बहुत बड़ा निर्णय आरबीआई द्वारा लिया गया और अब सरकारों पर दबाव पड़ने लगा है, वित्त मंत्रालय पर दबाव पड़ रहा है, आरबीआई दबाव में है क्योंकि लगभग एक साल हो गया कर्ज भारत अभियान को चलते हुए, लाखों लोग इसमें जुड़ चुके हैं और हमने जो भी डाटा सरकार को भेजा, वित्त मंत्रालय को भेजा या प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा, उन लोगों ने वो डाटा आरबीआई को भेजा और आरबीआई ने देखा क्या क्या समस्याएं लोगों के साथ आ रही है और अब आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया। इसी अगस्त में 18 तारीख को एक नया सर्कुलर आया आरबीआई का और उस सर्कुलर को 1 जनवरी से लागू होना है, 1 जनवरी 2024 से, लेकिन बहुत बड़ी राहत वाला है। ऐसे सभी लोग जो कर्ज के कारण परेशान हैं उन्हें बहुत राहत मिलने वाली है, काफी मदद मिलने वाली है। मैं उस सर्कुलर की कॉपी पढ़कर कुछ मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूं आपको ताकि आपको पता रहे कि अब क्या क्या आपको मदद मिलने वाली है सरकार की तरफ से। वैसे मैं ये मानता हूं ये निर्णय पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम निर्णय ले लिया गया। आरबीआई की वेबसाइट पर भी आपको सर्कुलर मिल जाएगा। मैं सर्कुलर पढ़ रहा हूं, सर्कुलर में जो मेन मेन बातें हैं वो बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो इसमें लिखा गया है कर्ज ना चुकाने पर सिर्फ उचित शुल्क ले पाएंगे बैंक, बैंक कोई पेनल्टी या पेनल इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, एक फिक्स अमाउंट ले सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किश्त नहीं चुका पा रहा है तो। अभी क्या होता था, किश्त नहीं चुकाने पर पेनल्टी लगती थी और पेनल्टी को इंटरेस्ट में जोड़ दिया जाता था और फिर उस पे इंटरेस्ट लगता था, चक्रवर्ती ब्याज लगता था और वो अमाउंट बढ़ जाया करता था, ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाया करता था। अब ऐसा नहीं होगा, आपका जो पेनल्टी है वो अलग से शो करेगी, आपका ईएमआई का अमाउंट वही रहने वाला है। पहला इस सर्कुलर की सबसे बड़ी बात है। दूसरा, फिक्स ब्याज दर का भी विकल्प मिलेगा। कस्टमर अगर चाहे कि उसकी ईएमआई चेंज नहीं होनी चाहिए तो उसको फिक्स ब्याज दर ले सकता है। अभी क्या होता है, रेपो रेट बढ़ जाने के कारण या किसी भी कारण से ईएमआई बढ़ा दी जाती है। कई कई जगह पर देखा गया कोरोना में जिन लोगों ने मोरिटोरियम लिया, 3 या 6 ईएमआई का मोरिटोरियम लिया गया और 15-15, 20-20 ईएमआई बढ़ा दी गई। अब ऐसा नहीं होने वाला है, आप फिक्स ईएमआई का भी ऑप्शन ले सकते हैं। साथ में इसमें लिखा गया है वित्तीय संस्थाओं को क्या क्या निर्देश दिए आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा है ईएमआई या कर्ज की अवधि बढ़ने की सूचना उचित माध्यम से तत्काल देनी होगी। अगर आप ईएमआई बढ़ा रहे हैं या ब्याज दर बढ़ा रहे हैं या बढ़ी है तो उसकी सूचना देनी पड़ेगी। अभी तक बिना सूचना के ईएमआई बढ़ा दी जाती थी, ब्याज दर बढ़ा दी जाती थी, वो नहीं होगा। दूसरा, ब्याज दर नए सिरे से तय करते समय निश्चित ब्याज दर चुनने का भी विकल्प होगा, यानी अगर ब्याज दर वो व्यक्ति फिक्स लेना चाहता है तो फिक्स दी जा सकती है उसको। तीसरा है कर्ज की अवधि के दौरान विकल्प चुनने के अवसर बताने होंगे, अवधि बढ़ाने के विकल्प देने होंगे। अगर व्यक्ति कोई ईएमआई नहीं चुका पा रहा है और उसको कम अमाउंट करना है या रीस्ट्रक्चर करना है तो बैंक अब बताएगा उनको कि आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, आप अपनी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, ड्यूरेशन कम कर सकते हैं लोन चलते हुए में भी। अगला दिया है समय से पहले पूरे या आंशिक रूप से कर्ज के भुगतान की अनुमति मिलेगी। आपने कोई भी लोन लिया और अगर आपके पास पैसा आ गया है और आपका 5 साल का टेन्योर था, 3 साल में आप जमा करना चाहते हैं तो आप जमा कर सकते होंगे। किसी तरह का भी लोन है आप उसको प्री क्लोजर करा सकते होंगे और उसमें प्री क्लोजर की ऑप्शन सभी में दी जाएगी। ऐसा नहीं चलेगा कि नहीं आप इतने समय से पहले क्लोज नहीं करा सकते, अब कस्टमर की मर्जी होगी कस्टमर कब क्लोज कराना चाहता है। तो ये आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है, ये वेबसाइट पर आरबीआई की मिल जाएगा और किसी तरह का भी पेनल्टी नहीं लगेगी और पेनल्टी लगेगी तो फिक्स होगी और पेनल्टी पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी राहत है ऐसे सभी लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, जो ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं उनके लिए बड़ी राहत है। मैं आरबीआई से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से भी कि आरबीआई इस पर ध्यान दे कि लोग कर्जे की दलदल में फंसे क्यों है और जिनको राहत मिल सकती हो, राहत दी जा सकती है, उनको राहत दी जाए। आपने जनवरी से तो बोल दिया कि जनवरी से लागू होगा, लेकिन अभी जो लोग परेशान हैं उनकी तुरंत मदद की जरूरत है। कम से कम उन्हें जनवरी तक का तो समय दे दिया जाए कि जनवरी तक उनके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, किसी ना किसी तरह की जनवरी तक मदद कर दी जाए तो और ज्यादा मदद मिल जाएगी। वैसे हम सबकी मेहनत रंग ला रही है, लगातार हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उससे सरकारों पर भी दबाव पड़ रहा है और आरबीआई भी लगातार सर्कुलर पर सर्कुलर जारी कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने भी, वित्त मंत्री ने सदन में जवाब दिया था, एक सांसद ने सवाल पूछा था, यकीन मानिए दबाव पड़ेगा तो उन्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी, हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि हमारी मांग जायज है, हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। हमारी मांग क्या है, हमारी मांग ये है कि जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां छूट गई, जिनका कोई कमाने वाला नहीं रहा, उनका तो लोन माफ कर दिया जाए और अगर लोन माफ ना हो सके तो कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाए जिसमें ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा, ना इंटरेस्ट लगेगा और ब्याज पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, पेनल्टी ऐड कर देना, ये तो हटना ही था, आज नहीं तो कल हटना था। आरबीआई ने सही फैसला लिया है, आरबीआई के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि आरबीआई की वेबसाइट पर जाइए, सर्कुलर की कॉपी अपने पास रखिए और बैंकों में भी बताइए कि आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया है और अगर आपको लग रहा है कि आरबीआई के सर्कुलर को अभी से ही लागू होना चाहिए तो आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर फीडबैक का ऑप्शन है, वहां फीडबैक भी दे सकते हैं, बता सकते हैं कि सर्कुलर को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।